Hi guys, welcome back to my channel. Thank you so much. I've completed 100 subscribers and I'm so excited for this journey of me. Uh, just trying to explain whatever I do and I'm actually being very honest if I'm putting out any videos. आपको कभी कुछ नहीं दिखने वाला है या दिख रहा है अभी तक दिखाया मैंने कि मैंने use नहीं किया ना ऐसे मैंने review डाल दिया. So, okay. Uh, first of all, thank you so much for 100 subscribers. Thank you, thank you, thank you, thank you so much. So, uh, coming to the video. In today's video, I'm going to talk about eyelash extensions. I can update <laughs> So, uh, let me tell you, I am a big, big, big freak of an, of how eyelash extensions look on me. I always look presentable. I always look beautiful, like beautiful. I know girls can relate. जब भी आई एस एक्सटेंशन कराओ तो बहुत अच्छा दिखता है आपके आईज एंड फेस पे बहुत अच्छा आपका फीचर्स बहुत इन्हांस हो जाते हैं दैट इज़ वट आई मीन एंड इफ़ यू नो अगर आप कराते हो तो आई लैस एक्सटेंशन का प्राइस थ्री थाउजेंड टू फाइव थाउजेंड तक मिनिमम रहता ही है एंड वो रहता भी नहीं है लाइक आफ्टर टू वीक्स इट्स जस्ट स्टार्ट कमिंग आउट एंड डजेंट लुक गुड एंड थ्री थाउजेंड रुपीज़ ऐसे ही पानी में गया एंड एवरी टू वीक्स आई कैन नॉट गेट माई आई लैश फील्ड और गेट get this done. So, whatever I'm going to show in this video is available on Amazon. Um, I normally use these. ja uh, ke uh, Amazon pe search karo cluster lashes. So, मैं normally mujhe आ मैंने पहले ये use किया था. I finished it. You can see. Let me show you. Uh, so normally मैं कैसा इसमें ऐसा strips लगा हुआ रहते हैं. So you have to uh, pull ऐसे पीछे से पकड़ के you have to सॉरी 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 ऐसा ऐसाट्रिप्स लगा हुआ है सो हैव टू आई होप आई ओके ऐसा निकालना होता है राइट ऐसा हाथ में आ जाता है दैट्स लाइक इसका एप्लीकेशन एंड एवरीथिंग इज रियली इजी ओके सो अब टाइप ऑफ फ्लैशेस अब ये देख सकते हो आप दिस इज़ लाइक अ नॉर्मल नेचुरल वन एंड मुझे थोड़ा सा ड्रामेटिक चाहिए था सो आई बोथ दिस ये थोड़ा विस्पी लैशेस में आता है इसका टाइप सो इन दिस पर्टिकुलर लाइन स्ट्रिप में आप देख सकते हो इट्स एलेवन एम एम सॉरी सॉरी मैं भूल जाती हूँ मुझे दिखाना भी है ओके इलेवन एम एम थर्टीन एम एम फिफ्टीन एम एम एंड फिफ्टीन एम एम का दो है सेम दोनों का सेम ही एलेवन थर्टीन फिफ्टीन फिफ्टीन सो वॉट आई डू इज अलेवन एम एम मैं इनर कॉर्नर्स पर लगाती हूँ थर्टीन uh, एक एक लगाती हूँ इनर कॉर्नर्स एंड देन आप अपने हिसाब से कैसे भी कस्टमाइज़ करके आप आपको पता रहता है आपका आईज़ पे कैसा अच्छा दिखता है तो आप यू कैन जस्ट कस्टमाइज दैट एंड यू कैन जस्ट अप्लाई इट ये वाला फिफ्टीन का मैंने लास्ट लगा लगाते थोड़ा सा वो ऐसा कैट आए इफेक्ट आए सो ये दोनों इन अमेजोन एट रिटियल्स फॉर अराउंड थ्री फिफ्टी या फोर हंड्रेड के आसपास है ये बट इफ यू ब्रिंग दिस सॉरी इफ यू बाई दिस आपका एटलीस्ट थ्री टू फोर मंथ्स एक ट्बा आराम से आप यूज़ कर सकते हो अगर आप रेगुलरली यूज़ कर रहे हो तो सो so, ये अमेजोन का है सो दिस वन आई बॉट फ्रॉम द लोकल स्टोर मैंने मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा था बिकॉज इसमें छोटे छोटे से है एंड मुझे थोड़े ड्रामेटिक अच्छे लगते हैं एज इन नॉट दैट ड्रोमेटिक एंड इस पर लिखा भी नहीं है कि कौन सा क्या है कितने एम एम का प्रोडक्ट है कुछ नहीं लिखा सो आप जस्ट एंड ये भी मैं जो मार्केट के तभी लेके आई थी ये भी सेम वैसे ही है ये सिंगल सिंगल है वो ऐसा क्लस्टर में है ये सिंगल सिंगल है अगर आपको आपके आसपास के लोकल स्टोर्स में अगर आपको दिख मतलब किधर भी ऐसा दिखा तो आप यू कैन आस्क फॉर सिंगल आई लैश फेक आई लैशेज़ एंड ये भी मैंने नॉर्मल स्टोर पर लिया था ये भी हाँ लोकल स्टोर पर लिया था सो द मेन पार्ट एज तो मेन हीरो इंग्रेडिएंट आप देख सकते हो मेरे पास दो है मुझे लगता था कि मैं खो गई मेरा खो गया था तो फिर मैंने दूसरा वाला मंगाया ओके इनफ ऑफ माई बकवास सो लेट्स गो दिस इज द आई लैश ग्लू सो दिस इज़ नॉट द टिपिकल ग्लू विच आपको दिखता है सब ब्रश वाला दिस इज़ नॉट ओके हाउ डू आई शो दिस आप देख सकते हो अभी इट हैज़ लाइक अ स्पाइरल शेप्ड स्पायर शेप ब्रश नहीं इट्स अ मेटल ओनली सो हाउ हाउ यू आर सपोज टू अप्लाई दिस इज यर सपोज तो कर लियो लैश फिर उसके बाद नॉर्मल मस्कारा जैसे इसको लगा सकते हो आप मैं वैसे ही करती हूँ अगर आपको मस्कारा जैसे नहीं लगाना है तो वॉट यू कैन डू इज फर्स्ट यर सपोज तू कर लैशेज फिर उसके बाद इसको ले लो इसका बैंड पे नीचे वाला बैंड पे मैं आप ही दिखाऊँगी आपको वैसे तो उस पर ये पकड़ के इसको थोड़ा सा लगा के नीचे वाला बैंड पे एंड देन आई लैश आई के अंडर से आई लैश के नीचे से हम नॉर्मली आई आई लेट के ऊपर लगाते हैं वहाँ पे नहीं लगाते हैं. हम लोग इस मतलब मैं नहीं लगाती सपोज तो अप्लाई नीचे से ओके सो अब आगे मैं बताऊँगी सो दिस इज़ द मेन हीरो इन्ग्रीडियंट आप इसको uh, मैं अगर एक बार लगाती हूँ तो मेरा एटलीस्ट टेन डेज तो ऐसे ही आ जाता है फिर बाद में ये रीयूजेबल भी है निकाल सकते हो आप नॉर्मली मेकअप रिमूवर से या जो भी है एंड मैंने टेन डेज तक लगा के देखा है एंड लाइक आई लव इट दैट्स वाई एम शेयरिंग विथ इट टू यू गैस एंड फॉर दिस इसका प्राइस कुछ टू हंड्रेड कुछ तो है एंड दिस कम्स अ लॉन्ग वे मैं ये टू ईयर से यूज़ कर रही हूँ यू कैन जस्ट टाइप कैलिस एंड नॉर्मल वाला ग्लू नहीं लेना आपको ऐसा वाला लेना है आपको दिख जाएगा वहाँ पे ओके सो लेट मी शो यू हाउ टू ओके सो so, लगाने के बाद आपको फर्स्ट फर्स्ट आर मतलब मैं नॉर्मली वैसे ही करती हूँ कि फर्स्ट आर कुछ पानी वानी लगा नहीं लगाती बाद में फर्स्ट डे भी नहीं लगाती थोड़ा केयरफुल रहती हूँ ताकि अच्छे से रहे बट मैंने तो ऐसे लगा के हेयर वॉश भी किया है तो कुछ नहीं हुआ है मेरा वैसा तो ओके थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अभी आगे, आगे आप अप्लीकेशन का वीडियो देखो बाय बाय थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग